एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग पे आपका स्वागत है। जो चैनल पे नए हैं वो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आते रहता हूँ। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं छोटा सा धाम। आस्था से, मतलब कि मनोरा से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित है। वहाँ से आस्था से कम पाँच किलोमीटर लगभग दूरी पर स्थित है। नकटी रानी के नाम से जानते हैं। वहाँ पर रामरेखा बहुत ही अच्छा, यूनिक, बहुत ही अच्छा से मनाया करते हैं और मानते भी हैं तो लोग कहते हैं। तो आज हम लोग जाके आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ है और किस कारण वहाँ पर रामरेखा मनाया जाता है। और आदमी लोग होंगे तो बनाएंगे वीडियो, और जो कोई रहेगा तो वहाँ पर से पूछेंगे। मैं जाके देखते हैं क्या देखने को मिलता है, तो बने रहिएगा ब्लॉग के लास्ट तक। चलिए हम लोग चलते हैं। और इधर देखिए, ये गाड़ी कहाँ पीछे जा रहा है, क्या हो गया? जो बाकी आज त्यौहार है बच्चे लोग का, सब लोगों का क्रिसमस है, और हम लोग थोड़ा दूर जाके हम लोग को लेफ्ट जाना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे, ये इधर लेफ्ट राइट साइड कुसमी के लिए। और आज हम लोग इधर जाएंगे, ये वाला देखो, ये वाला को दिखा दो, नकटी रानी। यहाँ से कटना, बैनर लगा हुआ है, और आप लोगों को जाके दिखाएंगे। तो नदी पार करना पड़ता है, यहाँ से हम लोग को राइट जाएंगे। आज क्रिसमस है, नहीं पता है क्या? चलिए हम लोग को यहाँ पर से राइट कट लिए हैं। भाई ये थोड़ा बाइक को धो रहा है, हम लोग का साइन तो स्टार्टर भी नहीं हुआ। बाकी ये गांव पार कर रहे हैं, गांव में छोटे छोटे गली होते हैं, और उधर से आ रही है एक दीदी। गांव हम लोग निकल चुके हैं, और इधर उधर जाओगे तो नहीं है, इधर जाएंगे हम लोग। इधर से लेफ्ट, और यहाँ से लेफ्ट, इधर हम लोग जाना है। इधर सड़क का कोई रेलवे नहीं, सीसी रोड बना था ना? हाँ, सीसी रोड बना था, बाकी ये भी ख़राब हो चुका है। जंगल जाने वाला टाइप का रोड मिलेगा आप लोगों को गाइस। हम लोग मतलब कि घाट से नीचे पहुँचे हैं, अभी हम लोग को जंगल चढ़ना पड़ेगा, हम लोग को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। जंगल को पार करके ना, जंगल के ऊपर में ही नकटी रानी है। जंगल के ऊपर लास्ट तो वाला जगह। हाँ, थोड़ा नहीं इधर, इसमें देखो घाट एकदम खतरनाक वाला घाट है। वो तो दिन में ना सकाता भी नहीं, वो तो रुका था। हाँ, इस बार थोड़ा बनाया है टाइप का, बनेगा टाइप का लगता है। धाम जगह में ना ऐसे ही रहता है टाइप का लगता है ना, सब जगह आदमी अच्छा से परिश्रम करके जाए तब आशीर्वाद पाए। हाँ, धाम वाला हर जगह का वैसे ही रहता है। हाँ, इतना ज़्यादा घाट देख रहे हैं ना आप लोग, गाड़ी तो कैसे चल रहा है, पैदल चढ़ने में इतना मुश्किल होता
बाकी बन रहा है टाइप का। ऊंचाई में है, ऊंचाई में स्थित है नकली रानी। अस्ताद से 5 किलोमीटर दूरी पर नकली रानी रानी धाम स्थित है। आप लोगों को दिखाते हैं जाके, जबकि रामरेखा लगता है ना उस समय बनाया जाता है चढ़ने के लिए। हाँ, चढ़ने के लिए। हम लोग पहुँच ही चुके हैं। ये रहा, हम लोग पहुँच चुके हैं नकटी रानी धाम। ये रहा नकटी रानी का धाम। इस बार पूरा साफ सुथरा ही हो चुका है, देख सकते हैं। और रामरेखा मनाए जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं नकटी रानी। आप लोग देख सकते हैं पूरा, मतलब कि इस बार GCP लगाए थे, साफ सुथरा कर दिए हैं, ताकि आदमी लोग, पब्लिक लोग, मतलब कि दर्शन करने वाले अच्छे से बैठ सकें। और वो वाला जो है ना, वहाँ पर स्टेट रहता है, वहीं पर डांस वांस गाना सब चलता है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, इधर जो मंदिर है वो वाला इधर आओ, मंदिर इधर है, जो मेन मंदिर है ये मंदिर है। चप्पल को खोल लो। बाकी ये वाला मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला मंदिर है। ऐसे नज़ारा है यहाँ का। और मतलब चारों ओर से, मतलब ऊपर में, सबसे ऊपर में, मतलब कि नकटी रानी स्थित है, और मंदिर भी है यहाँ। ये वाला मंदिर, यहाँ पर शिवलिंग वगैरह ये सब यहाँ पर स्थित है। प्रणाम। पूरा जितना भी मूर्ति वगैरह यहीं पर स्थित है, और बैठने के लिए यहाँ थोड़ा बना दी है। बाकी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मूर्ति वगैरह सब है। पूजा पाठ अच्छा यूनिक तरह से होता है जब रामरेखा के दिन में, मतलब सुबह से ही भीड़ भड़ा का बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। ऐसे नज़ारा है पूरा, मतलब कि यहाँ पर भी है। ये वाला मूर्ति वगैरह है, बहुत ही यूनिक तरह है यहाँ पर। जसपुर के सबसे यूनिक जगह, सबसे पहाड़, सब मतलब कि बहुत ऊपर पहाड़ में स्थित है नकटी रानी, देख सकते हैं। रामरेखा के दिन में बहुत ही अच्छा से, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब रात तक, 2 दिन पूरा पूजा पाठ होता है। आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ पर नाच गान होता है। तो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर अपना कुछ कुछ लगाते हैं, मतलब कि बेचने वगैरह के लिए, कुछ खाने पीने के लिए भी लाते हैं। और ये किनारे वगैरह, ये सब किनारे किनारे में कुछ कुछ लाते हैं खाने पीने के लिए, जो भी खाने पीने का चीज़, मिठाई वगैरह सब बच्चों के लिए। और इधर महिला लोग अलग बैठते हैं, और जेंट्स लोग के लिए अलग रहता है बैठने के लिए अपना। और वहाँ पर जो खड़े हैं दोस्त, वहाँ पर स्टेट रहता है, वहाँ पर ही जिसको भी गाना है वहाँ पर जाके
मैक वगैरह डीजे वगैरह सब चीज़ फिक्स रहता है, तो बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठते हैं फिर अपना गाते हैं और नृत्य मतलब कि नाचते हैं। तो वहाँ पर से आदमी लोग यहाँ पर देख के खुश होते हैं, यहाँ पर बैठ के मतलब कि देखते हैं, मतलब कि यहाँ पर अपना जो भी गाता है उसको देखते हैं इधर से साइड तरफ से, देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग भी आते हैं कभी कभार और देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का जशपुर ज़िला, जशपुर ज़िले के सबसे यूनिक मतलब कि पहाड़ के सबसे मतलब कि चारों कोना से पहाड़ के ऊपर चारों और मतलब पेड़ पौधा पूरा पहाड़ है उसके ऊपर नकटी रानी स्थित है। आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, बाकी सब चारों ओर पूरा पेड़ पौधा है और चढ़ने के लिए एक ही साइड से है रोड। और बाकी इधर इस बार थोड़ा पत्थर वगैरह सबको हटा दिए हैं ताकि चढ़ने उतरने के लिए पब्लिक लोगों को दिक्कत ना होए। थोड़ा देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर थे उसको हटा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और चना वगैरह मूंगफली मिठाई वगैरह खाने पीने का चीज़ बहुत ही मिलता है उस दिन, मिलता है रामरेखा के दिन में। आप लोग देख सकते हैं, देखने को ऐसा है पूरा जंगल, जंगल के ऊपर। चलिए गाइस, आज का वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।